ही दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा, सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2023 का फाइनल मेडिकल खत्म हो चुका है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सौरभ भाई जब ज्वाइनिंग होगा तो उस टाइम पे क्या फिर से मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर होगा तो उस टाइम का मेडिकल कितना हार्ड होता है, कितना नॉर्मल होता है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या हमें एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, ज्वाइनिंग से भगा दिया जाएगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिगर ही क्या है बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल आपके साथ, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप सबको पता है एसएससी जीडी 2023 का ज्वाइनिंग आपका कभी भी हो सकता है मेरे भाई, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी अक्टूबर से लेकर नवंबर में कभी भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएंगे और ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक से लेकर दो महीने के अंदर सब कुछ सल्टाने का प्लान है, क्योंकि मिशन मोड के तहत ये भर्ती चल रही है। जितनी जल्दी इस भर्ती को निपटा दिया जाएगा उतना अच्छा होगा। सबसे पहली बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी 2023 की भर्ती होगी, इसमें आपका ज्वाइनिंग होगा, उसमें क्या आपका मेडिकल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले बता दूं, मेडिकल आपका नहीं होगा, होता भी। और एक चीज़ बता दूँ, जो डिपार्टमेंट में आप जब ज्वाइनिंग करके जाते हो ना, तो एक बात बताऊँ, आप जो यहाँ तक पहुँचे हो ना, ऐसे हवा में नहीं पहुँचे हो, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है मेरे भाई। पहले आप एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिर इसका फिजिकल क्लियर किया है, फिर इसका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह क्लियर करके आप यहाँ पहुँचे हो। अब आप सरकारी दमाद बन चुके हो, ठीक है, बिहारी लैंग्वेज में दमाद बोलते हैं, तो दमाद बन चुके हो, ठीक है, सरकारी दमाद। तो सरकारी दमाद को ना कोई वहाँ से भगा नहीं सकता है, ठीक है ना, तो आपको कोई वहाँ से भगाने वाला है नहीं। जो वहाँ पे मेडिकल होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो सबका मेडिकल नहीं होता है, सबसे पहली बात। और जो मेडिकल होता है, सबसे पहले वो बताता हूँ कैसा होता है। देखिए, नॉर्मल सा मेडिकल होता है जहाँ पे आपका हाइट नहीं, वेट नापा जाता है। सबसे पहले वेट वगैरह नापते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया जाता है, और दूसरा दोस्तों आपके आँखों को चेक किया जाता है, उसमें कलर विजन का बुक भी नहीं पढ़ाया जाता है, नॉर्मल आई टेस्ट होता है, बस इतना ही दोस्तों वहाँ मेडिकल कराया जाता है, और कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल होते हैं। और मेडिकल टेस्ट किसका होता है, तो देखिए, उन बच्चों का मेडिकल टेस्ट नहीं होता है जिन बच्चों का भैया अभी अभी ज्वाइनिंग होगा। देखिए, आपका मेडिकल टेस्ट और नहीं होने वाला, किन का मेडिकल टेस्ट हुआ, तो 2018 वाले जो बच्चे थे उनका मेडिकल हुआ था फिर से, क्योंकि एक साल का डिले हो गया था ज्वाइनिंग देने में। जब आपका 6 से लेकर 7 महीना देरी हो जाता है ज्वाइनिंग देने में, तो भैया फिर से आपके मेडिकल होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आपके ज्वाइनिंग होंगे तो आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। और मेडिकल टेस्ट होता भी है, जो 2018 वालों का भी हुआ था, नॉर्मल हुआ था, उनसे पूछना कितना ईजी हुआ था, नॉर्मल था। क्या नापा था वो लोग, कुछ नहीं, वजन नाप दिया था, ब्लड प्रेशर वगैरह नापा था, और आपका डिस्टेंस विजन वगैरह देख लिया था, बस, और कुछ नहीं, बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, अब आपको यहाँ से कोई नहीं निकालने वाला। हाँ, निकलेंगे, कौन बच्चे निकलेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट फेक होगा। अब जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अलग किसी स्टेट को, आप किसी अलग स्टेट से जाकर नौकरी ले लिया है, बाद बाकी है तो वेरिफिकेशन पकड़ाओ गए, क्योंकि पुलिस वेरीफाई करने के लिए घर जाती है, जितों भी आपके डोमिसाइल में एड्रेस होगा वो घर में जाएगी, पुलिस पूछेगी कि यहाँ पे कोई आदमी रहता है कि नहीं रहता है। उस टाइम पे तो आपका कोई यहाँ पे घर ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो लेटर भेजा होगा कमांडेंट वगैरह ने, तो फिर पुलिस यहाँ से एक लेटर लिख के भेजेगी कि नहीं, ऐसा आदमी तो कहीं यहाँ रहता ही नहीं है, फेक आदमी है। तो फिर वो बच्चों को भैया ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी जब आप ट्रेनिंग करोगे फिर भी आपको भगा दिया जाएगा। कितने संतोष शर्मा और कौन एक तो साहिल, क्या जसवाल ना क्या उसका नाम था, साहिल नाम एक लड़का था, 3-4 बच्चों को तो ऐसे कितने बच्चे पकड़ाते रहते हैं ट्रेनिंग में। तो जो बच्चे फेक हैं उनको डर है, जो बच्चे जेन्युइन है कोई डरने की जरूरत। आपके डॉक्यूमेंट और बच्चे बहुत पूछे डॉक्यूमेंट में हमारा गलती है, वहाँ आपका नाम, ज्वाइनिंग के टाइम क्या, हमें ज्वाइनिंग के टाइम कुछ नहीं होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होना था हो गया, निपट गया, अब ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको ज्वाइनिंग के टाइम भी सबमिट करना है। अब नया रेसिडेंट भी बना के दोगे ज्वाइनिंग टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। नया भाई का सर्टिफिकेट भी दोगे तो ज्वाइनिंग टाइम में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई आपका क्रूशियल डेट, देखो इसमें भी क्रूशियल डेट नहीं मांगा, मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाया था ऐसे जगह जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने हर वीडियो में कहा है क्रूशियल डेट तो देखते ही नहीं है। लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे क्रूशियल डेट में इसको भगा दिया, उसको भगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने स्टार्टिंग से ही बोलते हैं, जब मैंने वीडियो बनाया था, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं मेरे को पहले से देख रहे हैं, वो लोगों ने एक चीज़ गौर किया होगा, मैंने जैसा जैसा कहा था एसएसजीडी में वैसा वैसा सेम आपका प्रोसेस रहा, क्रूशियल डेट नहीं देखा गया, जो भी डॉक्यूमेंट बोला था, एफिडेविट बोला था एक्सेप्ट होगा, एफिडेविट एक्सेप्ट हुआ, बहुत सारे सेंटर में एफिडेविट एक्सेप्ट हुआ, और हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। मैंने बोला था ना पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको वहाँ पे कोई काटने के लिए नहीं बैठा हुआ मेरे भाई, बस आप रियल आदमी हो कि फेक आदमी हो, बस वो देखने के लिए बैठा हुआ और कुछ नहीं। तो आपके मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा नॉर्मल सा है भाई डॉक्यूमेंट, कोई आपको दिक्कत नहीं, कोई भी आपको वहाँ पे बाहर निकालने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंट नाम वगैरह गलती है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एफिडेविट वगैरह जैसा दिया था दे दीजिएगा, और नहीं भी दिया था तो इस बार आके दे दीजिएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, बोलो ज्वाइन टाइम बस आपका डॉक्यूमेंट का सारा जेरेक्स वगैरह लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे, देन दोस्तों आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जो अभी बच्चों का जो ज्वाइनिंग होगा उन लोगों का फिर से मेडिकल भी नहीं होगा, और जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो भी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम एक साल का डिले हो गया था बोल के नॉर्मल सा मेडिकल कराया गया, नहीं तो वो भी नहीं कराया जाता, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट में एक बार आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद ना आप सरकारी दमाद हो, ठीक है ना, आपको एक दमाद वाली फीलिंग आएगी, फैसिलिटी मिलेगा,
अब एक चीज़ का परेशानी, जितना मुश्किल करना था आप लोगों ने कर लिया मेरे भाई, जितना मेहनत करना था आपने कर लिया। तो डॉक्टर वेरिफिकेशन और मेडिकल ऐसे ही होते हैं, तो खुश हो जाओ और ये वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो डरे हुए हैं कि मेडिकल हाल होता है, ट्रेनिंग हार्ड होता है, ये होता है वो होता है। अरे मेरे भाई बहुत मेहनत से आप पहुँचे हो, अब आपका सपना पूरा होने वाला है। जिन जिन बच्चों ने मेडिकल फिट हुए हैं भाई, मैं बता दूँ अप्रॉक्स 70 या 75% मेडिकल बच्चे फिट हो रहे हैं, 70% अप्रॉक्स बच्चे मेडिकल फिट हो रहे हैं, तो 20% बच्चे ही कटेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 20 से लेके 25% बंदे कटेंगे, 50% बच्चों का नौकरी होने लगा। तो आप भी उसमें से एक हो जिसका जिसके बदन में वर्दी चढ़ने वाली है, आपकी मेहनत रंग लाने वाले मेरे भाई, जो आपने मेहनत किया था जिसका फल आपको इस बार मिलने वाला है। और जिन बच्चों का सपना पूरा नहीं हुआ तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए SSGD की न्यू वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। अगर आप SSGD की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से SSGD की न्यू बुक मार्केट में आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपको मिलने वाले हैं बहुमूल्य क्वेश्चन। प्रीवियस में किस टाइप के क्वेश्चन के तो पूरा पूरी पैटर्न डाला हुआ है, 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक बनाया गया है। इस बुक के साथ दोस्तों एक और बुक आ जाती है जो कि प्रैक्टिस सेट बुक है, दोनों बुक सिस्टम पूरी पूरी मदद कर देगी। एक है दोस्तों गाइड, दूसरा है प्रैक्टिस सेट, दोनों दोस्तों 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया, प्रीवियस में एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, ये 100% आपके सिलेक्शन में पूरी पूरी मदद कर देगी। इस बुक को दोस्तों आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अभी दोस्तों जो इनका भी हो गया है, अब आप अपने आपको घर में सेफ रखो। मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ 1 से लेकर 1.5 महीना तक किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल घर में बैठना है, आराम करना है, और बस आपने बहुत मेहनत की है मेरे भाई, अब मेहनत का फल मिल रहा है ना, अब क्या करना है कूद फान के, अब कुछ फायदा नहीं, आराम से बैठो घर में, जिससे भी छोरी छोड़ा है बतिया लो, थोड़ा सा माइंड उंड फ्रेश कर लो, और बस अब आपके ज्वाइनिंग आने वाले हैं। और क्या, लेटर आएगा, ज्वाइनिंग पे जाओगे और क्या, आप लोग का सबका मेरिट में नाम आएगा, हमको पूरा भरोसा है। आप लोग जो जो मेरी वीडियो देखते हो, मेरे को लगता है आप सबका 100% कि आप लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, मैंने देखा है मेरे भाई, एक बंदा का भी नौकरी लग जाता है सरकारी तो अब सब पूरा खानदान सेट है मेरे भाई, अब वो आदमी नहीं रहा, अब वो स्पेशल बन चुका है। तो बस आप सब स्पेशल हो मेरे भाई, अब आपको वर्दी मिलेगा, ठोकने का मौका मिलेगा, आप उस बॉर्डर पे जाके ड्यूटी करोगे भाई, 135 करोड़ आदमी की सुरक्षा में आप खड़े रहोगे। अभी तो पॉपुलेशन बढ़ गया है सर मेरे ख्याल से, बट ठीक है, 135 से 136 करोड़ आदमी की सुरक्षा में आप खड़े रहोगे राइफल लेके, तो वो जो फीलिंग होगा वो और किसी नौकरी में नहीं है मेरे भाई। फाइनली आपका सपना पूरा होने लगा, आप लोग का मेहनत जो था ना भाई, बस ये सब मेहनत का फल है। ठीक है, कोई गुड लक नहीं है, मेरे को पता है आज लोग बोलते हैं कि आपके गुड लक है, लक था उसका नौकरी हो गया, लेकिन लक को कोई नाम का चीज़ नहीं होता है, जब तक आदमी मेहनत नहीं करता ना लक भी उसका साथ नहीं देता है मेरे भाई। आपके जैसे 50 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, नहीं हो पाए ना, 3.5 लाख बच्चों ने क्वालिफाई हो, मेरे के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, अभी कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, मात्र 50,000। एग्ज़ाम दिया था भाई 50 लाख से भी ऊपर बच्चों ने, एक नौकरी कितने बच्चों का है, मात्र 50,000। उस 50,000 बच्चों माने के लिए आपने कितना मेहनत किया था, आप सोच लो, ये आपकी मेहनत का फल है मेरे भाई, अब ये फल मिल रहा है, तो बस अपने ऊपर प्राउड फील करने का टाइम है मेरे भाई। देखिए हर बार अपने आप को हम लोग कोसते हैं कि इस वजह से हम फेल हो गए, ऐसा है वैसा है, लेकिन आज अपने आप पर प्राउड करने का टाइम है, आप सबको, जो भी लड़के लड़की सब, आपको प्राउड करने का टाइम है कि मेरे मेहनत से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरा मेहनत है और किसी का मेहनत नहीं है, मैंने मेहनत किया था। आपको खुश होने का टाइम है, तो खुश हो, अपने लाइफ को जियो, थोड़ा सा अपने ऊपर प्राउड भी तो करो मेरे भाई। दुनिया के बहुत आप चक्कर में पड़ गए, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आज अपने ऊपर देखो, आप खुद को प्राउड फील करो कि आपके चलते आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी मेहनत के बदौलत आप पहुँचे हो। किसी को आपने 1 रुपया नहीं दिया मेडिकल पास करने के लिए, किसी को 1 रुपया नहीं दिया फिजिकल पास करने के लिए, वो दोस्तों कड़ी धूप बारिश में दौड़ना, फील्ड में तैयारी करना, फिर फिजिकल पास करना, मेडिकल पास करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करना, और आज फाइनली ज्वाइनिंग का इंतजार करना। और ये जब ज्वाइनिंग मिल जाएगी ना, तो जो आपके मेहनत का जो सफ़र रहा है ना, वो सफ़र बहुत ही सुहाना रहने वाला है, उसको आप याद करके हमेशा आपको प्राउड फील होगा कि मैंने अपने गरीबी से लड़ाई की और आज मैं जिस मुकाम पर पहुँचा अपने मेहनत के बदल पहुँचा हूँ। तो बस आपकी मेहनत और जज्बे को आपके भाई का सलाम है। जब आपका जो ज्वाइनिंग हो, ज़रूर आपका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह आए, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ अपने भाई को थैंक यू करके फोटो ज़रूर भेजना मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम पर आपका भाई, इसको ज़रूर दोस्तों स्टेटस वगैरह जहाँ भी जो भी देना होगा मैं ज़रूर दूंगा। लव यू मेरे सारे भाइयों को, आपकी मेहनत को मेरा सलाम है। बस आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहो, नेक्स्ट वीडियो में कटअप के ऊपर लेके आऊँगा कि SSGD का कटअप वगैरह कितना जा सकता है, कितने बच्चे मेडिकल पास हुए, सारा डाटा वगैरह आपके भाई के पास आ गया है। बस दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फटाफट आपको बनाकर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ शाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बस अपने ऊपर प्राउड करने का टाइम है मेरे भाई, प्राउड कर लो, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हारो। तो प्राउड करने का टाइम है मेरे दोस्त, प्राउड करो अपने।